हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम निरंजन झा, ए टीचर ऑफ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। दिस टाइम आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर इज 12। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इस समय जिस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वह टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिमाइंड कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोपोर्शन में क्या होता था, प्रोपोर्शन में क्या होता था, हम लोग लिखते थे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। यानी दो रेशियो यदि इक्वल हो आपस में तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ए रेशियो बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। यहाँ ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है, इसको क्या कहते हैं प्रोपोर्शन में। और ये प्रोपोर्शन में क्यों, ये कंडीशन क्या है इसका, ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी। यदि यह कंडीशन पूरा होता है ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी तो हम लोग क्या कहेंगे ए बी सी डी ये चारों ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। और अब देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शन में एक वर्ड जुड़ा हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा कि यदि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी होता है इसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, प्रोपोर्शन में और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। ये प्रोपोर्शन में क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ फोर टर्म्स हैं, चार टर्म्स दिए हुए हैं ए बी सी और डी, फोर टर्म्स हैं। और यहाँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तीन टर्म है ए बी बी और सी, तीन ही टर्म है, ए है बी है और सी है। प्रोपोर्शन में मिडिल टर्म बी है और सी है, मिडिल टर्म बी और सी दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग मिडिल टर्म्स दिए हुए, बी अलग और सी अलग, सेकेंड टर्म बी है थर्ड टर्म अलग है। यहाँ कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों बी है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दोनों मिडिल टर्म्स, ये सेकेंड मिडिल टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड और ये थर्ड टर्म, इसको क्या कहते हैं मिडिल टर्म्स। ये दोनों मिडिल टर्म्स सेम है, यदि दोनों मिडिल टर्म सेम हो तो इसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे, यहाँ हम लोग कहेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, दोनों मिडिल टर्म सेम है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में यदि है तो उसका कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं। इसमें यहाँ भी क्या है, इसमें भी हम लोग देखते हैं चार टर्म से कोई एक टर्म नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालेंगे, यहाँ भी चार तीन टर्म में कोई एक टर्म नहीं दिया रहेगा तो थर्ड टर्म को हम निकालेंगे। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, एक अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एट एक्स एंड टू, वी हैव, हम लोग को ये चेक करना है कि तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे एट रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो टू। यहाँ पर हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ बी और सी अलग अलग है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म अलग अलग है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं एक्स फर्स्ट टर्म एट फोर्थ टर्म टू और सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों एक्स है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों एक्स है, एट रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो टू। अब एक फार्मूला तो हम लोग इसका यह है ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, और इसमें दूसरा फार्मूला क्या यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, किनारे वाले टर्म्स का प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए इंटू डी इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स बी इंटू सी, ए डी इजकल टू बी सी। यहाँ इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं सेकेंड वाले का,
यहाँ क्या होगा 8 × 2 एक्सट्रीम टर्म क्या है 8 × 2 यहाँ लिखेंगे 8 × 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स और मिडिल टर्म क्या है x × x 8 × 2 16 यहाँ लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू x × x और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 तो यहाँ लिख दिए 4 × 4 इज इक्वल टू x × x अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए अभी हम लोग ये इसके पहले वाले चैप्टर में इंडेक्स के बारे में पढ़े हैं x × x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x² x × x को क्या लिखते हैं x^2 यहाँ 4 × 4 दो बार है तो यहाँ लिखेंगे 4^2 इज इक्वल टू x × x 4 × 2 तो यहाँ पर 4^2 4² x^2 यहाँ x² इसको पढ़ते हैं 4² इज इक्वल टू x² यदि हम दोनों स्क्वायर को छोड़ दें तो क्या होगा x = 4 यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हमारा आंसर क्या हुआ 4 हो गया ठीक है एक तो ये क्वेश्चन हुआ कि कोई भी एक टर्म नहीं दिया हुआ है मिडिल टर्म नहीं दिया है तो इसका वैल्यू निकालना है तो इसमें से किसी एक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे ठीक है एक क्वेश्चन ये हुआ अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं मान लीजिए एक सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि प्रोपोर्शन के केस में ए बी सी और डी चार टर्म्स है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए बी और डी ये फर्स्ट टर्म हुआ ये फोर्थ टर्म हुआ और सेकंड और थर्ड सेकंड टर्म भी यही होगा और थर्ड टर्म भी यही होगा ये दोनों मिडिल टर्म हुआ यदि इस तरह का कंडीशन है जिसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आप ही के बुक का क्वेश्चन है कि x 20 और 25 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट ठीक है यदि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो हमको x का वैल्यू क्या होगा इसको हमको यहाँ दो बातें हो जाएंगी एक तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा यदि दिया हुआ है कि x 20 25 इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग क्या देखे हैं यह फर्स्ट टर्म है यह सेकेंड और थर्ड 20 क्या होगा सेकेंड टर्म ही 20 होगा थर्ड टर्म ही 20 होगा और फोर्थ टर्म क्या होगा 25 होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x = 20 सेकेंड टर्म 20 हो गया और प्रोपोर्शनल टू फिर 20 = 25 यहाँ क्या किया हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो जो बीच का टर्म होगा सेकेंड टर्म में हो जाएगा और थर्ड टर्म में हो जाएगा तो x = 20 = 20 25 और वही पुरान पहले वाला फार्मूले का यूज करेंगे दो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं किसी एक फार्मूले का यूज कर सकते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम a × d यहाँ किस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग a × d = b × c a × d = b × c a के जगह x d के जगह 25 b और c के जगह क्या है 20 यहाँ लिखेंगे x × 25 = 20 × 20 तो x = क्या हो जाएगा 20 × 20 और 25 लेफ्ट साइड में है राइट साइड में ले आएंगे लेफ्ट साइड में इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है इधर आकर डिवीजन हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय 25 इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा तो 5 × 5 = 25 5 × 4 = 20 अब फिर इस 5 को काट देंगे तो 5 × 5 = 20 अब ऊपर में क्या बचा 4 × 4 तो क्या हो जाएगा x = 16 4 × 4 = 16 यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 16 ठीक है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो x का वैल्यू 16 तो 16 = 20 = 20 25 अब इसमें एक चीज और हम लोग अभी देखेंगे अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि 4, 8 और 16 थ्री टर्म्स दिए हुए हैं और हम लोग को चेक करना है कि 4, 8, 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट इसको कैसे चेक करेंगे
इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दो तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो एक कोई अननोन टर्म दिया हुआ था उसको कैसे निकालेंगे, और यहाँ दिया हुआ है चेक करना कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि 8 मिडिल टर्म है, 8 दो बार लिखेंगे, मिडिल टर्म्स को दो बार लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4:8 एंड प्रोपोर्शनल टू 8:16, 4:8 प्रोपोर्शनल टू 8:16। और वही पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, ए के जगह 4, बी के जगह 8, फिर सी के जगह 8 और डी के जगह 16। अब ए बी सी डी में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो ए के जगह 4 मल्टीप्लाइड बाय डी 16 इजकल टू बी इंटू सी, बी के जगह क्या है 8 एंड सी के जगह 8, 16 4 64 इजकल टू 8 8 64, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यस 4, 8 and 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, राइट प्रोसेस क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे यस 4, 8 and 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या हम लोग पढ़े, यदि मिडिल दोनों मिडिल टर्म सिर्फ सेम होगा तो उसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हम लोग रिवाइज कर देते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोथ मिडिल टर्म्स विल बी सेम, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, यहाँ पर क्या है दोनों मिडिल टर्म एक ही है। यदि इस तरह का प्रोपोर्शन दिया हुआ होता है इसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में चार टर्म्स हैं, चारों टर्म्स अलग अलग है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी चार टर्म्स होंगे लेकिन दोनों मिडिल टर्म्स सेम होंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, डिफरेंट क्वेश्चंस हैव गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी एंड यू हैव टू चेक द गिवन नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट, एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me through the WhatsApp or through mobile number. In next period we shall discuss about unitary method. What is unitary method? Very important topic of this chapter. In next period we shall discuss about unitary method. Thanks.